हाय फ्रेंड्स, आई एम अर्पिता करवा एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पेपर वन की। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इन दिनों में मेरे पास कॉल पे, व्हाट्सएप पे एक ही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मैम पेपर वन के लिए क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कौन से टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ना है, किन टॉपिक्स को हम छोड़ के जा सकते हैं, आप कुछ बताइए, कोई बुक्स, कोई इंटरनेट पे रिसोर्स, क्या करें। एंड आई रेफर्ड सेवरल यूट्यूब चैनल्स टू देम, आई ऑल्सो टोल्ड देम फ्यू स्ट्रैटेजीज, बट स्टिल वो कुछ और जानना चाह रहे थे। सो देन आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जिसमें मैं बता पाऊँ मेरी स्ट्रैटेजी एंड आई कैन गिव यू अ ब्लू प्रिंट जिसे फॉलो करके आप पेपर वन की प्रिपरेशन और आसानी से कर पाएं। सो सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे चीज़ों की जो हर स्टूडेंट को क्लियर होनी चाहिए। आप अगर पेपर वन देने जा रहे हैं तो कुछ फैक्ट्स आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर वन जो है वो एक जनरल पेपर है। जनरल पेपर से मतलब ये है कि कोई भी स्टूडेंट जो नेट के लिए बैठ रहा है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के नेट के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहा है, चाहे साइकोलॉजी है, इंग्लिश लिटरेचर है, हिस्ट्री है, केमिस्ट्री है, सभी को ये पेपर देना है। प्लस इसके जो क्वेश्चंस हैं पेपर वन में, जो टॉपिक्स हैं, वो कोई भी टॉपिक्स सब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो जनरल टॉपिक्स है जो ऑलमोस्ट हर ह्यूमन बींग के एक बेसिक नॉलेज लेवल को टेस्ट करता है। सो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर रखिए दैट पेपर वन इज़ अ जनरल पेपर एंड इट इज़ अ कंपल्सरी पेपर फॉर ऑल नेट एस्पिरेंट्स। सबसे पहले पेपर वन होता है एंड उसके बाद थोड़े गैप के बाद पेपर टू होता है। सो दीज आर द टू पेपर्स विच यू नीड टू गिव व्हेन यू आर सिटिंग फॉर यूजीसी नेट एग्जाम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट पेपर वन ऑब्जेक्टिव है। पेपर वन कभी भी यूजीसी नेट में सब्जेक्टिव नहीं था। 50 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, पर क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग नहीं है। दैट मीन्स आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएँ। किसी एग्जाम में अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो स्टूडेंट्स के दिल में डर होता है कि अगर हमने कोई एक क्वेश्चन गलत अटेम्प्ट कर लिया तो हमारे मार्क्स कम हो जाएंगे। बट सिंस पेपर वन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसीलिए सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने में ही स्टूडेंट की भलाई है। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड इज दैट पेपर वन इज एन ऑब्जेक्टिव पेपर विच हैव 50 क्वेश्चंस। सो 50 क्वेश्चंस आते हैं, 2 मार्क पर क्वेश्चन, दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, टाइम लिमिट। पेपर वन की टाइम लिमिट क्या है? अभी तक पेपर वन 1 आवर 15 मिनट का था, बट यूजीसी नेट ने पैटर्न बदला है एंड नाउ पेपर वन इज़ फॉर 1 आवर। सो 15 मिनट्स कम कर दिया गया है टाइम। तो स्टूडेंट्स के लिए एक चैलेंजिंग टास्क ये है कि जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग, DI, उन्हें कम टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए। बट स्टिल वी हैव 1 आवर इन आवर हैंड एंड इन दैट 1 आवर वी नीड टू सॉल्व 50 क्वेश्चंस। सो द थर्ड फैक्ट दैट आई वॉन्ट टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज दैट पेपर वन में टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं एंड ऑल दोज 50 क्वेश्चंस करने के लिए आपको टाइम मिलेगा 1 आवर। अभी से पहले पेपर वन में 60 क्वेश्चंस थे एंड 50 वो कंपल्सरी। सो स्टूडेंट के पास ऑप्शन था कि वो आउट ऑफ दो 60 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन स्किप कर सकता है एंड ही कैन अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। बट थोड़े टाइम पहले से पेपर वन के सारे क्वेश्चंस कंपल्सरी कर दिए गए हैं। सो नाउ स्टूडेंट हैज़ नो ऑप्शन टू मिस एनी क्वेश्चन और टू लीव एनी पर्टिकुलर टॉपिक जिसके सेक्शन से जिसके क्वेश्चंस वो अटेम्प्ट ना करें। सो ये ऑप्शन अब स्टूडेंट्स के पास नहीं रहा है। Fourth important tip that I would like to bring to your notice is that paper 1 ke topics kya kya hain, kya hai syllabus paper 1 ka. So you can go to my website arpitakarwa.com, there is a tab called UGC net. Us tab mein ek syllabus ke section mein aapko pura syllabus milega. पेपर वन में बेसिकली 10 सेक्शंस हैं, हर सेक्शन से 5 क्वेश्चंस आते हैं। सो इफ़ यू कैलकुलेट 10 into 5 दैट इज़ 50 क्वेश्चंस। सो फ्रॉम ईच सेक्शन दे विल आस्क यू 5 क्वेश्चंस एंड इस तरीके से 50 क्वेश्चंस का पूरा एक पेपर तैयार होता है। ये जो 10 सेक्शंस हैं इनमें से कुछ सेक्शंस है थ्योरेटिकल एंड कुछ सेक्शंस है प्रैक्टिकल। सो जो थ्योरेटिकल सेक्शंस है उसमें आपको थ्योरी पढ़ के जानी है, उसमें प्रैक्टिस का ज़्यादा लेना देना नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, अगर आपको चीज़ें पता है तो आप इजीली आंसर कर देंगे। वेयर आज प्रैक्टिकल सेक्शन जो है उसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तभी मेरे से कई स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैम पेपर वन क्या रेगुलर पढ़ें, अगर हम 6 मंथ्स बाद नेट का एग्ज़ाम देंगे तो क्या आज से ही पेपर वन की प्रिपरेशन चालू
चालू कर दें या फिर हमें लास्ट के वन मंथ में पेपर वन को पिक करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगी, मैंने क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करी, दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट। बट उससे पहले मैं सिर्फ ये चीज़ आपको बताना चाहती हूँ कि पेपर वन में 10 सेक्शंस हैं, आपको ये 10 सेक्शंस पता होने चाहिए। दो सेक्शंस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स सो दैट आप जब पेपर देने जाए तो यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि ये क्वेश्चन किस सेक्शन से आया है। लास्ट एंड द फाइनल फैक्ट दैट आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस इज पेपर वन क्वालिफाइंग नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये अभी भी डाउट है कि अगर हमने पेपर वन में एक मिनिमम मार्क्स स्कोर नहीं करे तो हमारा पेपर टू चेक नहीं होगा। गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये पैटर्न जो है ये चेंज हो चुका है। पहले कुछ टाइम तक यूजीसी नेट ने यही पैटर्न फॉलो किया था, पेपर वन में अगर किसी स्टूडेंट ने मिनिमम मार्क्स नहीं लाए तब उसका पेपर टू चेक नहीं होता था। बट ये पैटर्न चेंज हो चुका है, अब आपका जो फाइनल टोटल स्कोर है वो पेपर वन एंड पेपर टू से मिक्स होके बनता है। सो इवन इफ आपने पेपर वन में बहुत कम स्कोर किया है एंड पेपर टू आपका एक्सीलेंट गया, तब भी आपके चांसेस है कि आप नेट क्वालिफाई कर जाएंगे। सो प्लीज़ डरिए मत, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि अगर हम पेपर वन में वीक हैं, हम पेपर वन में मार्क्स नहीं ला पाते तो क्या हम नेट कभी पास नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आप नेट आराम से पास कर सकते हैं। एंड पेपर वन जैसे जैसे हम इस वीडियो में बात करेंगे आई विल टेल यू कि पेपर वन हार्ड नहीं है, आप अगर चाहें तो आप आराम से 50-60% स्कोर कर सकते हैं बिना ज़्यादा मेहनत करे पेपर वन में। सो वील बी टॉकिंग अबाउट इट, बट उससे पहले ये चीज क्लियर रखिए अपने दिमाग में कि पेपर वन अब क्वालिफाइंग पेपर नहीं है। इवन इफ यू फेल इन पेपर वन, इवन इफ यू गेट 30 मार्क्स आउट ऑफ 100, इवन इफ यू गेट 20 मार्क्स आउट ऑफ 100, यू आर स्टिल एलिजिबल टू सिट फॉर पेपर टू, यू कैन स्टिल गिव योर पेपर टू एंड योर पेपर टू विल बी चेक्ड बाई द एग्जामिनर्स। सो आजकल मेरे पास काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम हम मैथ्स में वीक हैं या हम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में वीक हैं, क्या फिर भी हम पेपर वन क्लियर कर पाएंगे। गाइज आई वुड लाइक टू टेल यू कि मैं खुद एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थी मैथ्स में, बट स्टिल मैंने नेट फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किया एंड आई गॉट अ वेरी डिसेंट स्कोर इन पेपर वन। एंड ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं मैं घबराई नहीं, मैंने ये चीज़ अपने दिमाग में रखी कि पेपर वन एक जनरल पेपर है जो एक एवरेज स्टूडेंट को टारगेट करके बनाया जाता है। सो अगर मेरे अंदर थोड़ा सा भी मैथमेटिकल सेंस है, रीजनिंग लॉजिकल सेंस है, तो मैं आराम से प्रैक्टिस के साथ में पेपर वन में बहुत अच्छे नंबर ला पाऊंगी। एंड वही हुआ। सो सबसे पहले ये डर अपने दिमाग से हटा लीजिए कि 10 टॉपिक्स हैं, इनमें से काफ़ी टॉपिक्स तो मैंने कभी पढ़े ही नहीं है, रिसर्च है या फिर गवर्नमेंट एंड पॉलिसी है, ये सारे टॉपिक्स तो मुझे पता ही नहीं है या मेरे को याद ही नहीं होते, मैं कैसे पेपर क्लियर कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं सो पेपर वन क्लियर करना मुश्किल नहीं है। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं कि पेपर वन की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करें। देखिए, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स रेफर करें। प्रीवियस ईयर पेपर्स जब आप रेफर करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड कितने क्वेश्चंस आपको इजी लग रहे हैं, कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट हैं, कौन सा सेक्शन आपको जो लग रहा था कि ये बहुत डिफिकल्ट है, हो सकता है उसके इतने इजी क्वेश्चंस हो कि आप आराम से सॉल्व कर पाए। सो मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी मैंने सबसे पहले प्रीवियस 5 ईयर्स के पेपर वन उठाए थे एंड मैंने एक एक करके सबको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मैंने सबका स्कोर कैलकुलेट किया तो मैंने देखा कि मैं बिना पढ़े 50 में से 20 से 25 क्वेश्चन सही कर पा रही हूँ एंड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस, क्योंकि मुझे लगा अगर बिना पढ़े मैं 20-25 क्वेश्चन सही कर रही हूँ तो अगर मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ तो ऑब्वियसली आई कैन टेक माई स्कोर नियर अराउंड 35-40। सो सबसे पहले मैंने जब अपने पेपर को एनालाइज किया तो मैंने देखा कि जो 10 सेक्शंस हैं उन्हें मैं 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकती हूँ। फर्स्ट कैटेगरी वो है जो बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जिनमें मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस सही करे, लाइक आउट ऑफ 5 मैंने 3 या 4 क्वेश्चंस जहां सही करे, ऐसे 4 सेक्शंस थे। फर्स्ट वाज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत सिंपल आता है, आप अगर ढंग से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि आप आराम से 4 क्वेश्चन करेक्टली आंसर कर सकते हैं। एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए कोई प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है बिकॉज ऑल ऑफ अस हैव फेस्ड अनसीन पैसेजेस
सिंस चाइल्डहुड, हमने 12th स्टैंडर्ड तक काफ़ी सारे अनसीन पैसेजेस सॉल्व करे हैं. सो हम उस चीज़ के काफ़ी आदि हैं और हमें पता है कि ये क्वेश्चंस कैसे होते हैं और इन्हें सॉल्व कैसे करना होता है. सो द फर्स्ट कैटेगरी जो थी उसमें से पहला सेक्शन वॉज रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सेकेंड वॉज टीचिंग एप्टीट्यूड. टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत जनरल क्वेश्चन आते हैं गाइज. आप कोई भी बुक पढ़ लीजिए, आपको हमेशा टीचिंग एप्टीट्यूड के चैप्टर को पढ़ के ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत जनरल है, ये तो कॉमन सेंस बेस्ड है. थर्ड सेक्शन वॉज कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मुझे ईजी इसलिए लगा बिकॉज मैं एक सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर हूँ. सो मैंने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कम्युनिकेशन के काफ़ी सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन करे हैं, उन्हें पढ़ाया है, समझाया है, इंटरव्यूज़ के लिए जब उन्हें प्रिपेयर किया है, ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर किया है. सो आई हैव गॉन थ्रू ऑल दोज टॉपिक्स. हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए अनफमिलियर लगे, बट मेरे लिए ये आसान था. एंड कम्युनिकेशन टॉपिक वैसे भी बहुत ही आसान है बिकॉज हम सब दिन भर कम्युनिकेट करते हैं, सो वी नो द बेसिक फैक्टर्स. नेक्स्ट टॉपिक विच फेल अंडर दिस कैटेगरी वॉज IT, कंप्यूटर्स. IT भी मेरे लिए बहुत आसान था बिकॉज मैं हमेशा से कंप्यूटर फ्रेंडली हूँ. मैंने बचपन से कंप्यूटर्स में काफ़ी इंटरेस्ट लिया है. सो व्हेनेवर आई यूज टू सिट डाउन एंड लुक एट कंप्यूटर एंड सेवरल अदर थिंग्स, हमेशा से मैंने कुछ ना कुछ नई टर्मिनोलॉजी सीखी. वेब ब्राउज़र के अंदर क्या फीचर्स होते हैं या कॉमनली अभी क्या चल रहा है कंप्यूटर IT सेक्टर में, वो सब जानती रही. तो कंप्यूटर सेक्टर से भी काफ़ी ईजी क्वेश्चंस आते हैं. सो ये चार टॉपिक्स ऐसे थे जो बहुत ईजी थे एंड मैंने देखा कि इसमें ना मुझे ज़्यादा मेहनत लगेगी एंड ये इतने ईजी हैं कि कहीं ना कहीं अगर मैं इन्हें छोड़ के भी जाऊँ तो भी मैं आराम से 3 या 4 क्वेश्चन हर सेक्शन में से सॉल्व कर लूँगी. नेक्स्ट सेक्शन वॉज थियोरेटिकल एंड इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी बिकॉज ये टॉपिक्स ऐसे थे जो कहीं ना कहीं बचपन में तो पढ़े थे बट अभी दिमाग में उतने क्लियर नहीं थे. इनमें 3 मेजर सेक्शंस आए थे. 1 वॉज एनवायरमेंट, अनदर वॉज गवर्नमेंट एंड पॉलिसी एंड द 3rd वॉज रिसर्च. रिसर्च ऐसा टॉपिक है जो हो सकता है कई स्टूडेंट्स ने पढ़ा हो व्हेन दे वर गिविंग देयर डिसर्टेशन और व्हेन दे वर मेकिंग एनी प्रोजेक्ट ड्यूरिंग देयर ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन. हो सकता है कई स्टूडेंट्स के लिए ये बिल्कुल अनफमिलियर हो. सो दोनों ही केसेस में इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि एक बार आप रिसर्च के सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ के जाएँ. सेम केस इज़ विद गवर्नमेंट एंड पॉलिसी. गवर्नमेंट एंड पॉलिसी सिर्फ उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी जो रेगुलरली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं या जो लोग बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के टच में हैं. एनवायरमेंट, पीपल इन एनवायरमेंट का जो सेक्शन है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट पोल्यूशन, पोल्यूटेंट्स एंड जो एनवायरमेंट से रिलेटेड क्या क्या नए समिट्स हो रहे हैं, क्या नए चेंजेस हो रहे हैं. सो ये भी बेसिकली वो सेक्शन है जो आप 9th-10th में अपनी साइंस की बुक में पढ़ते थे. सो इनको भी रिविजन चाहिए, इन्हें इनके लिए भी आपको बैठ के थोड़ा टाइम निकाल के टॉपिक समझने होंगे. सो ये सेकेंड सेक्शन था विच वॉज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बट विद अ मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल. एंड थर्ड सेक्शन जो मेरे लिए था वो मेरे लिए एक नाइटमेयर था बिकॉज दैट वॉज कम्प्लीटली प्रैक्टिकल. वी हैड लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड DI. सो ये तीनों सेक्शंस ऐसे थे जिसके लिए मुझे और इन डेप्थ में जाके उसके बेसिक कॉन्सेप्ट समझने होंगे. बिकॉज जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है आप कभी भी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते. थ्योरी में इट्स वेरी इजी कि आप रट के चले जाएं, आप मग अप कर लें कई चीज़ों को इवन दो यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दैट पर्टिकुलर थिंग इज द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, बट स्टिल आप कर सकते हैं. प्रैक्टिकल में यू नेवर नो कि क्या क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में भी क्या डिजिट्स आएंगी, इसीलिए आप मग अप नहीं कर सकते, आपको समझना बहुत ज़रूरी है. सो इस तरीके से मैंने मेरे सिलेबस को डिवाइड किया और फिर मैंने शुरू करी अपनी प्रिपरेशन. सो जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, मैंने सबसे पहले ये किया कि जो भी मेरे सामने सेक्शंस थे, जो मेजर सेक्शंस थे, उनके सारे क्वेश्चंस की मैंने लिस्ट बनाई. दैट मींस मैंने जो प्रीवियस 10 ईयर्स पेपर्स रेफर करे थे उसमें से हर पेपर में से मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे क्वेश्चंस एक जगह लिखे एंड फिर मैंने एक पैटर्न एनालाइज करने की कोशिश करी कि किन पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं. सो ऐसा करते हुए हर सेक्शन के कुछ मेजर टॉपिक्स मेरे दिमाग में मुझे समझ आए कि ये कुछ मेजर टॉपिक्स हैं जो मुझे पढ़ने हैं एंड ये सारे टॉपिक्स एक एक करके मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में बताऊंगी सो दैट यू कैन हैव अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर पेपर 1. बट उसके साथ ही मैं 2 चीज़ें और आपको बताना चाहूँगी कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या पेपर 1 की रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है. गाइज मैं आपको एक चीज़ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि पेपर 1
में स्मार्ट वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप रेगुलर प्रैक्टिस करते जाएं, फिर भी आप देखेंगे कि आप पेपर वन में उतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद ने पर्सनली पेपर वन सिर्फ 15 डेज पढ़ा था, 15 डेज मैंने सिर्फ पेपर वन पढ़ा था। उस टाइम मैंने पेपर टू नहीं टच किया, सिर्फ पेपर वन मैंने कम्प्लीट किया था। एंड पेपर वन के एक एक सेक्शंस को मैंने उठाया था, उस सेक्शन के अंदर मैंने सब टॉपिक्स बनाए थे क्या क्या मुझे पढ़ने हैं। एंड हर के लिए मैंने इंटरनेट पे काफ़ी सारे वेबसाइट्स हैं जिन्हें रेफ़र किया, और काफ़ी सारे और स्टडी मटेरियल रेफ़र करके मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। और एग्ज़ाम के दिन मैंने सिर्फ उन नोट्स को रेफ़र किया, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। एक चीज़ समझिए गाइस, पेपर वन में ज़्यादा पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप जो लिमिटेड चीज़ें पढ़ रहे हैं वो कितनी रेलिवेंट हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो कितनी इंपॉर्टेंट है, एंड नंबर टू आप कितने श्योर है उन चीज़ों को लेके, कितना अच्छे से आपको वो चीज़ें याद है। अगर ये दो चीज़ें आपकी क्लियर है तो आपके अगर 10 पन्ने के भी नोट्स हैं दैट वुड बी मोर सफिशिएंट देन नोट्स का एक पाइल। एक पूरी की पूरी गाइड बुक के बजाय मैं आपको ये बोलूँगी कि आप अपने क्रिस्प एंड क्लियर नोट्स बनाएं। मैं कभी भी पेपर वन के लिए अपने स्टूडेंट्स को गाइड बुक्स रेफ़र नहीं करने को बोलती हूँ, बिकॉज मैंने खुद ने काफ़ी सारी गाइड बुक्स परचेज करी थी, और जब मैंने वो गाइड बुक्स पढ़ी तो मैंने देखा कि एक तो उनमें काफ़ी सारी इररेलीवेंट इन्फॉर्मेशन है, दे हैव 50-70 पेजेस फॉर वन पर्टिकुलर सेक्शन, जितना पढ़ना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्लस उन गाइड बुक्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो सही नहीं है, अपडेटेड नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पढ़ें। कोई भी चीज़ जो ऑब्सोलीट हो गई है उसे पढ़ के आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आप गलत आंसर मार्क करके आएंगे। दैट इज़ वाई मैं कॉन्स्टेंटली आपको यही कहूँगी कि आप अपने नोट्स बनाइए, कोई भी गाइड बुक रेफर मत करिए, एंड फिर धीरे धीरे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हर सेक्शन को पिकअप करिए, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं उसकी एक लिस्ट बनाइए, और हर टॉपिक के लिए आप इंटरनेट को रेफर कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ ग्रेट सोर्स, अगर आपको पता है कि आपको क्या पढ़ना है तो इंटरनेट कैन गिव यू अ लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स विच कैन प्रोवाइड यू ऑथेंटिक एंड easy to understand information. So this is how you can start with your preparation. In the next audio lecture, I'll be taking one topic from paper one, and this is how I will keep posting videos so that I can guide my students ki paper one ke liye wo kaise apni preparation ko channelize kare. Iske alawa, I would also like to tell you that I have made a video on my channel which says cheat codes and tricks on how to solve MCQ. Okay, you can refer to that video lecture. In that video lecture, I have systematically told my students on how they have to attempt paper 1 and paper 2. So paper 1, paper 2 जब आप exam hall में attempt करते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना है वो सब मैंने उस video में बताया है। So उन चीज़ों का ध्यान रखिए, because यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके score को काफ़ी enhance कर सकती है। इसके साथ ही साथ एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि पेपर वन के लिए प्लीज़ एक शीट अपने पास रखिए जिसमें आप वो सारी सिली मिस्टेक्स नोट डाउन करते हैं जो आप पेपर वन सॉल्व करते वक्त कर रहे हैं। जब भी आप एक पेपर वन सॉल्व करते हैं एंड आप उसका स्कोर चेक करते हैं तो देखिए कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर आने के बावजूद आप उन्हें अच्छे से सही तरीके से सॉल्व नहीं कर पाए। वहाँ पे जो सिली मिस्टेक्स आपने करी है उसका एक नोट बनाइए, बिकॉज ये सिली मिस्टेक्स अगर आप रोज़ देखते रहेंगे तो आप एग्ज़ाम में यही मिस्टेक्स नहीं करेंगे। मैंने खुद ने एक सेक्शन अपनी कॉपी में बनाया था जिसमें मैं वो सारी सिली मिस्टेक्स नोट करती थी जो मैं पेपर सॉल्व करते वक्त कर रही हूँ, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। हम मॉक टेस्ट या क्विज़ इसीलिए देते हैं जिससे हम एग्ज़ाम के दिन वो गलतियाँ ना करें जो हमने मॉक टेस्ट में करी है। बट अगर आपको वो गलतियाँ याद ही नहीं रहेगी तब आप एग्ज़ाम में कैसे उन गलतियों को दोहराने से बचेंगे। माय फादर ऑलवेज यूज टू टेल मी वन थिंग दैट अ स्मॉल पेंसिल इज़ बेटर देन अ बिग मेमोरी। अपने दिमाग में सारी चीज़ें स्टोर करने से के बजाय इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट कि आप वो चीज़ें लिख लें। वो चीज़ें लिखते हैं तो आपके दिमाग को भी एक बहुत कामिंग सिग्नल मिलता है कि अब ये चीज़ें लिखी हुई है, मुझे अपने दिमाग को प्रेशराइज रखने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें ये याद रखना है। इफ़ दैट इज़ ऑन द पेपर देन दैट इज़ सेफ। So with that note, I end my video lecture. I hope that this video will help all my students to prepare for paper 1. So with that note, I take your leave. You can subscribe to this channel to keep on receiving content on paper 1 and paper 2 so that you can boost your exam preparation. Also, you can go to my social media channels, and in all the social media platform, I'm running a GoNet quiz for
UGC NET English Literature students, and they can follow me on these social media platforms so that they are updated every time I post a quiz or an important information for the aspirants. So with that note, I take your leave. Happy learning. Keep loving literature. Stay tuned to arpitakarwa.com.